Swayam Prabha, Digital India, Educated India Namaskar. मैं श्रेष्ठ यादव एक बार फिर से आपका इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूँ लास्ट की कुछ क्लासेस में हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव्स के बारे में जानकारी प्राप्त की हमने जाना कि किस तरीके से मेज़र्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें हमारे डेटा को समझने में हेल्प करती हैं किस तरीके से हमें हमारे डेटा को प्रेजेंट करने में हेल्प करती हैं उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा और जाना कि किस प्रकार वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें हमें हमारे डेटा को समझने में मदद करता है किस प्रकार हमें दूसरों को अपने डेटा के बारे में बताने में मदद करता है और किस प्रकार हम अपने डेटा का डिस्पर्जन जान सकते हैं ये जान सकते हैं कि हमारा डेटा किस प्रकार फैला हुआ है क्या वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्कोर्स हैं या हमारा डेटा किसी एक डेटा पॉइंट के आसपास ही सन्नहित है ज़्यादातर डेटा उसी पॉइंट के आसपास फैला हुआ है जब हम लोगों ने वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया तो जाना कि किस प्रकार हमारा डेटा पॉइंट एक डेटा पॉइंट के आसपास फैला हुआ है या स्थित है आज हम लोग उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि हमारा डेटा अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या उसके डिस्ट्रीब्यूशन में किसी प्रकार की कोई बाइसनेस है या अनबैलेंस्ड है इसी डिस्कशन के लिए आज का लेक्चर हम लोगों ने आपके लिए तैयार किया है तो अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें सर्वप्रथम हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार हमारा डेटा अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि जब समाज में हम कभी भी किसी भी व्यक्ति की वस्तु की किसी विशेषता के बारे में जानकारी देते हैं तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम, ज़्यादातर लोग उस विशेषता में या उस करेक्टरिस्टिक में बीच में औस्तन रूप में सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं इसे हम सामान्यतः एक उदाहरण की तरह समझने का प्रयास करते हैं तो हम जब जैसे ही दुनिया समाज जनसंख्या या किसी के भी बारे में बात करते हैं तो बताते हैं कि उसका व्यवहार उसकी ये विशेषता बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है या कहते हैं कि उसकी ये विशेषता औसत है तो औसत अधिक कम ये हम किस प्रकार निर्धारित करते हैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा एग्रेशन तो हम लोग कई बार दूसरे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि उसका एग्रेशन बहुत हाई है या कहते हैं नहीं वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता है या कहते हैं कि नहीं वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही उसका एग्रेशन का लेवल है तो जब हम कहते हैं कि उसका गुस्सा उसका एग्रेशन बहुत ज़्यादा है तो हम क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह का गुस्सा इतना एग्रेशन बहुत ज़्यादा लोग डिस्प्ले नहीं करते हैं सिर्फ कुछ ही लोग कुछ विशिष्ट लोग या कुछ एक स्पेसिफिक तरह के लोग इतना एग्रेशन शो करते हैं जब हम इसके विपरीत ये बात कहते हैं कि वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता वो बहुत शांत है तब भी हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का व्यवहार नॉर्मल कॉमन बिहेवियर पैटर्न में नॉर्मली नहीं देखा जाता है यानी कि ये दोनों ही व्यवहार जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करे या जब कोई व्यक्ति बहुत कम एग्रेशन शो करे एक समाज में नॉर्मल बिहेवियर औसत बिहेवियर से अधिक है या कम है तो जब हम इस तरह के डेटा का या इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स का कभी भी प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर एग्रेशन हाई है और लो है तो ज्यादा लोग एग्रेशन हाई पर आपको नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि समाज में बहुत ज्यादा गुस्सा करना एक औसत व्यक्ति के व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी भी बात पर नाराज ना हो रहा हो एग्रेशन ना शो कर रहा हो तो उस तरह के लोग भी हमें समाज में कुछ कम मिलेंगे लेकिन जहाँ पर हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का एग्रेशन एवरेज है मतलब हमारे समाज में जिस तरह का व्यवहार औसत रूप से किया जाता है एग्रेशन के टर्म में ये व्यक्ति उसी तरह के हैं तो आप देखेंगे कि समाज में जो एवरेज बिहेवियर है जो औसत व्यवहार है उस व्यवहार को करने वाले व्यक्ति सर्वाधिक मात्रा में मैक्सिमम नंबर्स में वहाँ पर होते हैं तो अगर मैं औसत एग्रेशन के लोगों को प्लॉट करूंगा तो देखूंगा कि उनकी फ्रीक्वेंसी या उनका नंबर ज्यादा है हम लोग सामान्यतः इसी बात को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो जो विशिष्ट हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो समाज में बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं पाई जाती हैं तो हम अधिकतर उस क्वालिटी के किसी एक छोर पर लाई करते हैं क्योंकि हम जैसे लोग उस समाज में ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं अब हम लोग इसी उदाहरण को एक्सटेंड करते हुए एक और उदाहरण लेते हैं इंटेलिजेंस का जैसे अगर हमारे पास एक क्लास है और उसमें सौ बच्चे हैं जो वो सौ बच्चे हैं उन लोगों का आई लेवल इंटेलिजेंस का लेवल ऐसा नहीं है कि सभी का बहुत ज़्यादा हाई होगा या सभी का बहुत ज़्यादा लो होगा कॉमनली कोई एक ऐसी वैल्यू होगी आईक्यू की जहाँ पर ज़्यादातर क्लास के बच्चे लाई करते होंगे सिर्फ कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनका आई.क्यू बहुत ज़्यादा होगा और वो उस टेस्ट में क्लास में क्लास की परफॉर्मेंस में बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे बहुत अच्छा परफॉर्म करते होंगे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास में बाकी एवरेज बच्चों की तुलना में कम परफॉर्म करते होंगे कम नंबर उनके आते होंगे तो इस कंडीशन में अगर मैं अपनी क्लास में इंटेलिजेंस के बेसिस पर सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैं पाऊंगा कि मेरी क्लास बहुत ज़्यादा आईक्यू वाले बच्चों के लिए और बहुत कम आईक्यू वाले बच्चों के लिए दोनों तरफ कम कम नंबर के स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे सामान्यतः हम लोग ये देखते भी हैं कहीं पर भी किसी क्लास में जो टॉपर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर जिन बच्चों के आते हैं उनकी संख्या कम होती है उसी प्रकार वो बच्चे जिनके नंबर बहुत कम आते हैं या बार बार फेल होते हैं या क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उनकी संख्या भी रिलेटिवली कम होती है लेकिन अधिकतर बच्चे जो होते हैं उनका क्लास में परफॉर्मेंस टेस्ट में उनके मार्क्स उनकी इंटेलिजेंस अधिकतर बच्चों की एक एवरेज होगी एक एवरेज आईक्यू होती है तो हम देखेंगे कि देखिए अगर क्लास में वो बच्चे जो टॉप किए होंगे वो एक दो तीन चार कुछ बच्चे होंगे इसी प्रकार जो बच्चे फेल हुए होंगे या जिनके नंबर बहुत कम आए होंगे उनकी संख्या भी इसी प्रकार वितरित हो रही होगी जैसे ऐसा नहीं है कि अगर मेरी क्लास 100 बच्चों की है तो उसमें 50 बच्चे फेल हो गए होंगे यदि उस क्लास में 50 बच्चे फेल हो गए होंगे तो इसका अर्थ है कि इस क्लास में फेल होना ही एक सामान्य प्रक्रिया है या किसी एक कारण की वजह से इस तरह का बिहेवियर शो हुआ है लेकिन मैक्सिमम कंडीशंस में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स में होगा क्या कुछ बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे कुछ बच्चों के नंबर बहुत कम आएंगे मैक्सिमम बच्चों के नंबर एवरेज होंगे जो एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो जो एवरेज क्लास की परफॉर्मेंस होगी उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का पार्ट होगा और दोनों राइट right और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जो प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी टॉप करने वाले बच्चों की भी और फेल होने वाले बच्चों की भी तो इसी को हम कहते हैं सामान्य वितरण या औसत वितरण सामान्य का अर्थ हुआ वह व्यवहार वो करेक्टरिस्टिक की प्रोबेबिलिटी जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अकेरेंस हो हमारी पॉपुलेशन में नॉर्मल का भी यही अर्थ औसत का भी यही अर्थ है हम किस व्यवहार को औसत व्यवहार या सामान्य व्यवहार कहते हैं वो व्यवहार जो समाज में सबसे ज़्यादा किया जाता हो या सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड हो या ज़्यादातर लोग जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं हम उसे ही औसत व्यवहार कहने लगते हैं तो हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी व्यक्तियों के औसत व्यवहार और औसत व्यवहार के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसे और विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं जैसे हम लोग समाज में कभी भी कहीं आसपास किसी से कहते हैं कि तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अर्थात हम उससे कहते हैं कि अब तो तुम्हारा वज़न औसत वज़न से भी ज़्यादा हो गया है अब तुम्हें अपने वज़न को लेकर कुछ प्रयास करने चाहिए ताकि वह औसत वज़न के आसपास आ जाए तो हम सबसे ज़्यादा किस तरह का करेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट कर रहे हैं एवरेज औसत अगर समाज में ये माना जाता है कि सेवेंटी टू 80 के का वेट एवरेज है और आपका भी सेवेंटी टू 80 के का एवरेज है तो सबसे ज़्यादा आप ही के जैसे लोग आपके समाज में आपको दिखाई देंगे लेकिन जहाँ अगर किसी समाज में किसी पॉपुलेशन में एवरेज वेट ही 80 के है और आपका वेट 80 के है तो आप उस कंडीशन में उस पॉपुलेशन के एवरेज पॉपुलेशन में ही लाई करेंगे लेकिन अगर कहीं 50 है या 40 है तो उस कंडीशन में अगर आपका वेट 80 के है या 70 के है तब आपका वेट उस पॉपुलेशन के लिए एवरेज वेट में नहीं आएगा लेकिन जब हम लोग वेट की बात करते हैं तो उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि नहीं इसकी हाइट के अकॉर्डिंगली इसका वेट सही है अर्थात जब हम किसी एक करेक्टर स्टिक का एवरेज नॉर्म्स नॉर्मलाइजेशन सामान्य सामान्यकरण के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ बहुत सी बार हम लोग उसके साथ जुड़ी हुई किसी और करेक्टरिस्टिक को भी रिलेटिवली करेक्टरिस्टिक मानकर उसके बारे में उसकी औसत वैल्यू निर्धारित करते हैं जैसे कहा जा सकता है कि अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो इस कंडीशन में आपका इतने के जी वेट नॉर्मल वेट है अर्थात उस समाज में उस पॉपुलेशन में अधिकतर लोगों की जिनकी हाइट 172 सेवेंटी टू सेंटीमीटर है इस एज के लोग ज़्यादा हैं लेकिन जिनकी हाइट कम है उसकी एवरेज वेट भी उसी के रिलेटिवली डिफरेंट होता चला जाएगा तो हम जब कभी भी प्रोबेबिलिटी की औसत की सामान्यकरण की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक ही नहीं कभी कभी कुछ समय पर हम लोग उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई किसी और रिलेटिवली कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली भी ये डिसाइड करते हैं कि एवरेज पॉइंट या सामान्य व्यवहार कौन सा होगा तो यही हमारी सामान्य परिभाषा है नॉर्मल सामान्य औसत कौन नॉर्मल है जो सामान्यतः उसी तरह के व्यवहार में है जो उस पॉपुलेशन का उस समाज का एक औसत व्यवहार है जब आप उस सामान्य या औसत व्यवहार से कुछ भी अलग व्यवहार शो करते हैं तो आपका नंबर ऑफ ऑकरेंस या आपसे जैसे व्यवहार करने वाले लोगों की संख्या कम होती चली जाती है चाहे आप पॉजिटिव व्यवहार में जुड़े या नेगेटिव किसी तरह का एक्टिविटी करें दोनों ही कंडीशन में अगर वो औसत से दूर है तो आपके जैसे लोगों की फ्रिक्वेंसी नंबर्स कम होते चले जाएंगे इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल या बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कब जब हमारे दोनों छोर पर धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी नंबर्स पॉपुलेशन कम होता चला जाए और मिडिल में उनकी संख्या अधिकतम हो और वो एक सिमेट्रिकल बैलेंस्ड फॉर्म में मतलब आधे एक तरफ वेट हो और आधा पॉपुलेशन का वेट एक तरफ हो वेटेज तो हम उसे कहते हैं कि ये जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है बैलेंस्ड है तो आप देखेंगे कि एक सिमेट्री जैसा ये क्रिएट कर रहा है तो ये बैलेंस या सिमेट्रिकल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा अब इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में और डिटेल में डिस्कशन कवर करते हैं तो सबसे पहले जब हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक शेप जनरेट होती है अब हम लोग इस स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की शेप किस प्रकार की होती है और उस शेप के अकॉर्डिंगली उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो कॉमनली जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो कुछ इस तरह का शो होता है तो जब मैंने ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ किया तो आपने देखा होगा कि मैंने दोनों साइड्स में दोनों छोर पर जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है वो टच नहीं किया है तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हवा में हैंग कर रहा है हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कभी भी अपने एक्सिस को अपनी बॉटम लाइन को टच नहीं करता है इसका कारण यह है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमारी पॉपुलेशन के 99.73 नाइन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट केसेस को ही रिप्रेजेंट करता है उसी के बारे में डिस्कशन करता है इसीलिए हमारा नॉर्मल कर अपनी बेस लाइन को टच कभी नहीं करता हमेशा इसके दोनों साइड्स में ये एक गैप प्रेजेंट रहता है दोनों साइड में अब सेकंड इस शेप की एक करेक्टरिस्टिक है अगर मैं इसे और अच्छे से ड्रॉ करूं या अभी भी तो आप देखेंगे कि ये एक घंटी नुमा लग रहा है एक बैल जैसा लग रहा है ऊपर एक शेप है वो धीरे धीरे जैसे घंटी की शेप ऐसे बढ़ती चली जाती है इस तरीके से बढ़ा है और फ्लैट जैसे किसी फ्लैट के ऊपर हमने एक घंटी रखी है या टांगी हुई है तो जो हमारी शेप है हमारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की वो एक बैल नुमा शेप होती है थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक है कि अगर मैं इसे बिल्कुल हाफ से कट करूं, बिल्कुल बीच से तो ये मुझे मेरे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को दो समान एक जैसे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अगर मैं एक पेपर पे इसे ड्रॉ करूं और उसके जस्ट बीच से उसे कट करूं और एक पार्ट को दूसरे पार्ट पे रखूं तो वो पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा क्यों क्योंकि फिफ्टी परसेंट केसेस इसके एक साइड में है 50 परसेंट केसेस दूसरे साइड में जैसे मीडियन पूरी डेटा सीरीज को दो हिस्सों में बांटता है इसी तरीके से हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि बिल्कुल बीच से कट किया जाए तो दो समान एक जैसे पार्ट्स हमें मिलेंगे टू इक्वल पार्ट्स सामान्य कंडीशंस में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन उसके जस्ट बीच में सेंटर पॉइंट में हाफ में लाई करता है अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीन मिड में कहीं लाई करेगा और वो वही वो, वो वही पॉइंट होगा जो इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा अगर मीन से मैं जैसे ही बिल्कुल सीधी ऊपर लाइन खींचूंगा तो ये मेरे पूरे नॉर्मल प्रॉबर्टी कर्व को दो बराबर हिस्सों में बांट के डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इसके बाद इसकी कुछ और होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मीन मीडियन मोड हम लास्ट वाले ही एग्जाम्पल को ड्रॉ नहीं करना होगा दोबारा देखते हैं मीन मीडियन मोड सेम पॉइंट पर लाई करेगा जहां पर मीन होगा वहीं पर मीडियन होगा और उसी पॉइंट पे मोड होगा अब देखिए इसे इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं मोड क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो देखिए ये जो मीन है ये कहां पे कट कर रहा है जहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है यहां पर तो मेरा मोड भी वही होगा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मीन भी वही होगा क्योंकि वो उसी लाइन पर ड्रॉ हो रहा है उसके बाद मीडियन मीडियन थेटिकली क्या करता है हमारी पूरी डेटा सीरीज को दो बराबर हिस्सों में बांटता है तो यहाँ पर भी जो मीन है ये हमारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है तो मीन मीडियन एंड मोड दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है कि इसके मैक्सिमम स्कोर्स कहाँ लाइक कर रहे हैं मिडिल में हम देखते हैं पीछे भी हम यहीं पर एक बार और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का ड्रॉ कर देते हैं मैक्सिमम नंबर्स कहां पर बीच में ऊपर से अगर मैं देखना शुरू करूं तो ये जो मैक्सिमम पार्ट है ये मेरा मिडिल में होगा मैक्सिमम पॉपुलेशन मैक्सिमम स्कोर्स इसके मिडिल में ही लाई कर रहे होंगे क्योंकि जैसा हमने डिस्कशन में भी कहा जैसे जैसे वो एवरेज से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी संख्या उनके नंबर्स कम होते चले जाएंगे तो यहां पर हम लोगों ने यही चीज इक्वल की इसके बाद इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर मैं इसे छह एक जैसे हिस्सों में बांटूं, फॉर एग्जांपल यहीं पर अगर मेरा मीन हो ये और मैं इसे स्टैंडर्ड एविएशन के अकॉर्डिंगली छः पार्ट्स में बांटूं, तो इसका जो मिडिल वाला पार्ट होगा ये प्लस वन सिग्मा माइनस वन सिग्मा मिडिल ये मेरा सिक्सटी एट पॉइंट टू सिक्स परसेंट केसेस को रिप्रेजेंट करेगा अर्थात नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में प्लस माइनस वन सिग्मा के अंतर्गत सिक्सटी एट पॉइंट सिक्स परसेंट केसेस या पॉपुलेशन लाई करती है इसके बाद सिग्मा प्लस टू सिग्मा माइनस टू सिग्मा और यहाँ से यहाँ तक हम लोग नाइन्टी फाइव पॉइंट फोर फोर परसेंट केसेस को कवर कर सकते हैं प्लस माइनस टू सिग्मा तक हमारी नाइन्टी फाइव पॉइंट फोर फोर परसेंट पॉपुलेशन या केसेस कवर हो जाते हैं इसके बाद थर्ड होगा प्लस थ्री सिग्मा और माइनस थ्री सिग्मा इस पूरे पोर्शन को अगर हम लोग कवर करें तो हम लोग नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट केसेस को कवर कर लेते हैं जैसा हमने लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व 99.73 परसेंट केसेस को डिस्कस करता है रिप्रेजेंट करता है तो प्लस माइनस थ्री सिग्मा तक हमारे 99.73 परसेंट केसेस कंप्लीटली कवर हो जाएंगे अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में आगे कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे थे प्रोबेबिलिटी का और हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इसी बेसिस पर बनता है कि उस व्यवहार को करने की क्या प्रोबेबिलिटी है उस कंडीशन में या औस्तन वो क्या प्रोबेबिलिटी कैरी करता है तो प्रोबेबिलिटी को अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूँ या किसी से पूछूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है या आप किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को कहते हैं बात करते हैं तो कॉमनली हम लोग कहेंगे या लोग बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हम लोग भविष्य में होने वाली किसी भी वस्तु किसी भी इवेंट किसी भी कंडीशन के बारे में पूर्वानुमान के रूप में करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी किससे जुड़ी हुई है पूर्वानुमान से हम क्या अनुमान करते हैं कि अब भविष्य में यह होगा इसको हम पहले ही प्रोबेबिलिटी के थ्रू जानने का या प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है पूर्व अनुमान किसके बारे में फ्यूचर में होने वाले किसी घटना किसी इवेंट के बारे में प्रोबेबिलिटी को हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करते हैं किस प्रकार से लोगों को बताते हैं तो आप नॉर्मली ये देखेंगे कि नॉर्मली हम लोग प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में या चांस फैक्टर में या इस तरीके से बताते हैं कि पॉइंट फाइव प्रोबेबिलिटी है या ये कहते हैं कि फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी है किसकी फ्यूचर में किसी भी पर्टिकुलर इवेंट को होने की तो प्रोबेबिलिटी कॉमनली हम लोग चांस के साथ परसेंटेज के फॉर्म में प्रपोर्शन uh, के फॉर्म में हम लोग एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं अब हम लोग इसी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को आगे वाले उदाहरण के माध्यम से डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम एक मैच हो रहा है और उस मैच में दो टीम खेल रही हैं टीम ए और टीम बी और हम में से किसी से अगर ये पूछा जाए या कोई किसी को पूछे कि टीम ए के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो अगर फेयर कंडीशंस हैं आप उस टीम के सपोर्टर नहीं हैं कोई ऐसी कोई बाइसड कंडीशन नहीं है जिसमें टीम ए या टीम बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा हो तो सामान्यतः आप कहेंगे मैच शुरू होने से पहले कि टीम ए और टीम बी दोनों के दोनों में से किसी एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% परसेंट होगी वन बाय टू क्यों क्योंकि टीम या तो जीत सकती है या हार सकती है सिर्फ यही दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं अगर तो उसके उस कंडीशन में उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% परसेंट होगी लेकिन अगर हम इसमें एक और कंडीशन ऐड कर दें जैसे अगर कंडीशन ये हो कि टीम या तो जीत भी सकती है या टीम जीत हार भी सकती है या टीम का ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है तो अब मेरे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए पहले दो पॉसिबल आउटकम्स थे हार या जीत अभी हार जीत या ड्रॉ और अगर उस कंडीशंस में किसी भी एक कंडीशन के होने के लिए कोई बायस कंडीशन नहीं है तीनों के होने के चांसेस इक्वल हैं तो उस अब इस केस में टीम ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो वन बाई टू ना होकर वन बाई थ्री होगी क्योंकि तीन कंडीशन सब हो सकती हैं या तो ए टीम जीते या ए टीम हारे या मैच ड्रॉ हो जाए तो हमारी प्रोबेबिलिटी इस बेसिस पर भी निर्धारित होती है कि पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं अगर एक ही टीम है एक ही टीम खेल रही है रिजल्ट आने की एक ही संभावना है कि वही टीम जीतेगी तो प्रोबेबिलिटी वन क्यों क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो टीम हार भी सकती है या जीत भी सकती है फिक्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड हो जाएगी फेयर कंडीशन में टोटल पॉसिबल जितने आउटकम्स हैं उसका और जित जो हम पॉसिबिलिटी जिसकी मेजर चेक करना चाह रहे हैं अनुमान कर रहे हैं उन दोनों के बेसिस पर हमारी प्रोबेबिलिटी डिसाइड होती है वन बाई टू पहली कंडीशन में वन बाई थ्री सेकेंड कंडीशन में क्योंकि पॉसिबल आउटकम्स यहां पर चेंज हो गए अब हम लोग इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं हमने अभी ये क्लियर किया कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा पूर्व अनुमान तो दे रही थी और ये भी डिस्कस किया किसके बारे में किसी एक संभावना के बारे में किसके रिलेटिवली सभी संभव संभावनाओं को कंसीडर करते हुए मै मैच में हार हो सकती है जीत हो सकती है हार हो सकती है जीत हो सकती है और ड्रॉ भी हो सकता है तो अब यहाँ पर जो संभव संभावनाएं हैं वो बढ़ गई थी एक इंक्रीज हो गई थी तो यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो गई थी इसी एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं आप लोगों ने डाइस देखा होगा जो लोग हम खेलते हैं लूडो में तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें एक दो तीन चार पाँच छ अंक निर्धारित होते हैं एक तरफ एक दूसरी तरफ दो तीन चार पाँच छ तो अगर कोई आपसे पूछे कि उस डाइस को फेयर डाइस है कोई बाइसनेस नहीं अगर कोई थ्रो करे तो एक आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पर हमने क्या जानने की कोशिश की एक आने की प्रोबेबिलिटी ये हमें संभावना इसकी संभावना हमें करनी है पूर्वानुमान किसके आउटकम में जहां पर हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम है सिक्स क्योंकि उस लूडो के उस डाइस में छ नंबर्स हैं छह में से कोई भी आ सकता है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वहां पर छ हमारा डिजायर डिजायर आउटकम क्या है वन या आप मान लीजिए तो वो भी एक ही है एक बार आएगा तो यहाँ पर किसी भी एक नंबर को आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी वन डिवाइडेड बाय सिक्स और जब हम वन डिवाइडेड बाय सिक्स करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी जीरो पॉइंट वन सिक्स सिक्स इस प्रकार हम लोग थ्योरटिकली प्रोबेबिलिटी को और थ्योरटिकली प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में इस इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं अभी अभी हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि घटित होने की संभावना और घटित ना होने की संभावना ये दोनों मिलेंगे अगर तो वन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एक सिक्का उछाला तो हेड आने की संभावना कितनी हुई फिफ्टी परसेंट उसकी और हेड ना आने की कितनी पॉसिबिलिटी हुई फिफ्टी परसेंट ये दोनों मिलकर हंड्रेड परसेंट प्रपोर्शन के टर्म में वन क्योंकि हमने कहा जितने संभावित आउटकम हैं वो और जो हमारा डिजायर्ड आउटकम है इन दोनों के रेशियो को हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में डिस्कस कर रहे हैं तो जहां एक रेशियो हमने निकाला तो जो जो पॉसिबिलिटी अब नहीं बचेगी वो लास्ट की जितनी पॉसिबिलिटी है उसी में ऐड हो जाएगी तो घटित होने की संभावना और घटित ना होने की संभावना के केसेस में अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी वन टोटल अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इसी प्रकार आगे डिस्कस करते हुए कुछ और कंडीशंस के बारे में जानते हैं जैसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं अब हम लोगों ने दो सिक्के उछाले तो अगर मैंने दो सिक्कों को उछाला तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम मेरे पास आ सकते हैं तो एक बार जब मैंने दोनों सिक्के उछाले तो हो क्या सकता है दोनों बार हेड आए सॉरी दोनों सिक्कों पे हेड आए एक दो सिक्के हैं दोनों को उछाला तो दोनों पे हो सकता है पॉसिबल है कि दोनों में एक हेड आ जाए दूसरी क्या संभावना हो सकती है कि एक सिक्के पर हेड आए दूसरे सिक्के पर टेल आए तीसरी क्या संभावना हो सकती है कि एक पहले वाले पर टेल आए दूसरे वाले पर हेड आए तीसरी संभावना चौथी क्या कंडीशन बन सकती है जैसे पहले में दोनों हेड आए थे हो सकता है कि इस बार दोनों टेल आए तो यहां पर दोनों हेड आने की पॉसिबिलिटी होगी वन डिवाइडेड बाय फोर सिमिलरली एक बार हेड पहले का हेड दूसरे का टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी सेम ही होगी तीसरी कंडीशन की भी प्रोबेबिलिटी सेम होगी फोर्थ की भी क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सेम है और नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम भी सेम है तो इनकी पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज़ सेम होगी अगर वो सिक्का फेयर है और अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो वन काउंट होगा अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं जानने की कि हमारे पास एक सिक्का है और उसे अगर हमने छह बार उछाला तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो जब हमने एक बार पहले वो सिक्का उछाला तो उसके आने की हेड आने की पॉसिबिलिटी हुई वन बाई टू जब हमने वही सिक्का दूसरी बार उछाला तो दोबारा हेड आने की अगर फेयर है तो पॉसिबिलिटी वन बाई टू तीसरी बार उछाला तो भी वन बाई टू अगर वो सिक्का फेयर है वन बाई टू अगर हमने माना सिर्फ अभी चार बार उछाला तो चारों बार सिर्फ हेड आने की पॉसिबिलिटी एक कंडीशन में वन बाय टू दूसरी बार उछाला फिर वन बाय टू तीसरी बार उछाला फिर वन बाई टू चौथी बार उछाला फिर वन बाई टू यहां पर कंडीशन करें तो होगा क्या जब हम इन लोगों इनका पूरा प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे इन चारों कंडीशंस में तो आएगी वन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन एक सिक्के को अगर हमने चार बार उछाला तो हेड आने की पॉसिबिलिटी सभी कंडीशंस में होगी वन डिवाइडेड बाय सिक्सटीन जब हम इस कैलकुलेशंस को करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव क्योंकि चारों इवेंट ये सिक्के का पहला इवेंट दूसरे इवेंट से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है तो इस प्रकार हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में अपनी प्रोबेबिलिटी की गणना कैलकुलेशंस कर पाते हैं तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के सा शेप उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन किया अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कुछ और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे तो अगर हमारा डेटा मान लेते हैं किसी वजह से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कौन सी कंडीशन हमारे पास आ सकती है कि अब हमारा डेटा किसी एक साइड में राइट right या लेफ्ट ज़्यादा है और दूसरे साइड में एक तरफ ज़्यादा है तो दूसरी तरफ कम बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो इसी कंडीशन के लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में एक कॉन्सेप्ट है स्क्यूनेस स्क्यूनेस हमें क्या बताता है स्क्यूनेस हमें ये क्लियर करता है बताता है कि हमारा डेटा एग्जैक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या किसी भी कारण की वजह से किसी एक साइड में हमारी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ पॉसिबल पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारा डेटा किसी एक साइड ज्यादा वेटेज लिए हुए है वो हमारी सारी जानकारी हमें स्क्यूनेस के माध्यम से मिलती है तो हम यहां पे बस एक बार पहले ड्रॉ करते हैं फिर इसको थियोटिकली समझने का प्रयास करते हैं माना ये हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है हमने जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का डिस्कशन किया था तो बताया था कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन मीडियन मोड एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं जब तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लेकिन अगर किसी कंडीशन में मीन मीडियम एंड मोड तीनों डिफरेंट हों तो जैसे ही ये डिफरेंट होंगे हमारा डेटा किसी एक तरफ स्क्यूड होता चला जाएगा मतलब एक तरफ ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और दूसरी तरफ पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी यहीं पर हम देखे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं माना मेरा मीन वहीं पर है और मोड मेरा राइट right साइड में चला गया तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन रिप्रेजेंट करता है मोड तो अब जब ये ग्राफ बनेगा तो इस तरीके से मेरी पॉपुलेशन एक साइड ज्यादा हो जाएगी इसी कंडीशन को हम लोग स्ट्यूनेस के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं तो जब हमारे डेट हमारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर में स्क्यूनेस होगा तो हमारा डेटा कैसा होगा नॉट सिमेट्रिकल, अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड कब होगा जब वो किसी एक पॉइंट पर अगर मैं कट करूं, तो दोनों तरफ एक्जैक्टली exactly सेम हो उसी को हम सिमेट्रिकल या बैलेंस्ड कंडीशन कहते थे यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी मैं किसी भी पॉइंट से कट करूंगा किसी एक तरफ डेटा ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा एग्जैक्ट टू हाफ्स में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा इसी को हम कहते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक तरफ किसी भी एक तरफ चाहे राइट right साइड चाहे लेफ्ट लेफ्ट साइड अभी हमने एक तरफ किया था अगर फॉर एग्जाम्पल मीन के राइट right साइड ना होकर मोड लेफ्ट साइड है तो वो डेटा यहां पर ज्यादा लाई करेगा लेफ्ट साइड में तो स्क्यूनेस हमारी दोनों साइड हो सकती है पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड पॉसिबिलिटी है स्क्यूनेस कब हमारी नॉर्मलाइज होगी जब हमारा स्क्यूनेस की वैल्यू जीरो होगी तो इसका अर्थ है कि हमारा डि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस्क्यूनेस ज़ीरो दैट मीन्स इसका अर्थ है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन अगर इसक्यूनेस की वैल्यू किसी भी एक साइड है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नगेटिव हो तो इसका अर्थ है कि हमारा डेटा सिमेट्रिकल नहीं है स्क्यूड है इसकीूनेस जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पॉजिटिव या निगेटिव किसी भी साइड में किसी भी छोर पर हो सकती है आगे की स्लाइड्स में हम लोग इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि किस कंडीशन में पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव और किस कंडीशन में नेगेटिव स्क्यूडनेस होती है और उसका क्या क्या अर्थ होता है तो अब हम लोग इसी स्लाइड को आगे कंटिन्यू करते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग स्क्यूनेस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा मीन है 45 और हमारा मोड है 50। तो मीडियम इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा और जब मैं इस कंडीशन में अपना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ करूंगा तो मेरा ज्यादा डेटा मेरे राइट right साइड में फॉल करेगा ये माना मीन है ये मोड है मोड और इस कंडीशन में मैं देखता हूं कि ज्यादा डेटा मेरा किस तरफ जा रहा है मीन के राइट right साइड में तो टेल किस तरफ ज्यादा हो गई निगेटिव साइड में यहां पर इस तरह की कंडीशन को हम लोग कहते हैं निगेटिव स्क्यूड दूसरी कंडीशन कैसी हो सकती है इसके जस्ट अपोजिट जहां पर थोड़ा नीचे ड्रॉ करते हैं स्पेस हमें मिलेगा फोर्टी फाइव अगर मीन है मोड फोर्टी तो अब हमारा डेटा हमारी नेगेटिव साइड की तरफ ज्यादा है पॉजिटिव साइड की तरफ झुका हुआ है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्यूड तो अगर मैं इसे एक मैथमेटिकल uh, फॉर्मेट में लिखूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मीन है वो किससे ज्यादा है मीडियन से और मीडियन किससे ज्यादा है मोड से यह हमारा मीन है तो हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा इस कंडीशन में जब हमारा मीन कम है मीडियम से और हमारा मीडियम कम होगा हमारे मोड से तो इस कंडीशन में हमारा डेटा नेगेटिवली स्क्यूड होगा अगर मैं इसे एक टेस्ट के माध्यम से समझूं तो आप देखेंगे कि अगर देखिए अगर ये पॉजिटिवली स्क्यूड है तो इसका अर्थ हुआ कि ज़्यादातर डेटा किससे कम आ रहा है मीन से कम तो अगर मैं एक बहुत डिफिकल्ट टेस्ट बनाऊं और उस टेस्ट को एडमिस्टर करूं तो बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो एवरेज से ज़्यादा नंबर पाएंगे लेकिन अगर मेरा इस टेस्ट कोई भी स्केल कोई भी टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी है तो मैं देखूंगा कि मीन्स के बाद मैक्सिमम पॉपुलेशन उसमें लाइव की तो यहाँ पर जब हमारा स्केल टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी होता है तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं और जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है तो इस तरह की कंडीशंस हमें फेस करनी होती हैं या हमें मिलती हैं अब हम इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए अब जानेंगे कि मेन मीडियन का स्क्यूनेस के साथ क्या रिलेशन है तो जैसा हमने लिखा है कि जितना ज़्यादा मीन और मीडियन और मोड के बीच में डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा हमारी स्क्यूनेस की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी ये हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड के एग्ज़ाम्पल में भी देखा था तो यहाँ पर हम लोगों ने स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है अब हम लोग इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारी स्क्यूनेस को हम कैलकुलेट करते हैं तो किस प्रकार से उसे इंटरप्रटेट कर सकते हैं तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला लिखा हुआ है थ्री मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन तो हम यहाँ हाइपोथेटिकली कुछ डेटा पुट करते हैं माना हमारा मीन है ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन ज़ीरो और हमारा मीडियन है 26 और हाइपोथेटिकली हमारा एस है एट पॉइंट जीरो टू तो जब हम इन कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते हैं तो हमें जो कैलकुलेशंस मिलती हैं वो हमारी एस होगी वन पॉइंट वन सिक्स पॉजिटिव ये कैलकुलेशंस हमने पहले से कंप्लीट की हैं अब हम इस कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं उस कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी स्क्यूनेस अगर अब हम क्या करेंगे मीन की वैल्यू को मीडियन से और मीडियन की वैल्यू को मीन से रिप्लेस कर रहे हैं सिंपल फॉर्मूला वही इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मीन की वैल्यू है उसे रखते हैं छब्बीस और जो मीडियन की वैल्यू है उसे हम मान लेते हैं ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन ज़ीरो जो कि पहले मेरी मीन की वैल्यू थी एस टी मेरा सेम मैंने मान लिया अब जब मैं इस कैलकुलेशंस को करता हूं, तो मैं देखता हूं कि मेरा स्क्यूनेस की जो वैल्यू आई है वो आएगी माइनस वन पॉइंट वन यही बात हम लोगों ने जो यहां इंपेरिकली प्रूव की है वो लास्ट की स्लाइड में हमने थ्रेटिकली डिस्कस की थी तो इस इंपेरिकल डेटा के साथ आप उस थेटिकल नॉलेज को कनेक्ट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस प्रकार हमारा पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड का इंटरप्रिटेशन हम स्क्यूनेस में करते हैं और किस प्रकार मेन की वैल्यू मीडियन की वैल्यू और मोड की वैल्यू ये डिटरमाइन करती है कि स्क्यूनेस की मैग्नीट्यूड क्या होगा वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी जैसा हमने ऊपर लिखा है मीन और मीडियन का डिफरेंस तो जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा जैसे ही इनकी नंबर्स की वेटेज बदल जाएगी मीडियन ज्यादा हो जाएगा तब उसकी डायरेक्शन भी स्क्यूनेस की चेंज हो जाएगी स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के और भी कई फॉर्मूलाज हैं उनमें से कुछ फार्मूला हम लोग यहां पर आपके लिए लिख रहे हैं एक फार्मूला है स्क्यूनेस स्क्वेल टू क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू मीडियन डिवाइडेड बाय क्यू थ्री माइनस क्यू वन क्यू वन का अर्थ क्यू सॉरी क्यू थ्री का अर्थ क्यू वन का अर्थ और मीडियन का अर्थ हम लोग पिछले कुछ लेक्चर्स में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं कि क्यू वन क्या होता है क्यू थ्री क्या होता है और इनकी नेचर क्या है ये हमारी डेटा सीरीज़ के डिस्पर्जन को किस प्रकार से बताते हैं और किस प्रकार से उनके अंदर क्या मीनिंग छिपा होता है इसके अलावा अगर हम हमारे पास परसेंटाइल भी स्कोर है तो भी हम लोग स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं उस कंडीशन में हमारी स्क्यूनेस होगी P 90 प्लस P 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस P 50 तो ये इस तरह के कई फार्मूलाज हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमें स्क्यूनेस कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल डेटा पॉइंट्स अवेलेबल कैलकुलेशंस और अवेलेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम लोग इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अपनी स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्यूनेस हम किसी भी तरीके से कैलकुलेट करें इसकी थेटिकल बेसिस इसका मीनिंग वैसा ही रहेगा ये उसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे करेगी जिस तरह के इसके थेटिकल पर्सपेक्टिव हैं इसके थेटिकल ओरिजिन हैं तो इसक्यूनेस का डिस्कशन हम लोग कंप्लीट करने के बाद अब अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की एक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम कर्टूसिस कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो नेक्स्ट अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कर्टोसिस जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पिछले डिस्कशन में ये आइडेंटिफाई किया था कि स्क्यूनेस हमें क्या बता रहा था कि हमारा डेटा हमारे राइट right साइड में या हमारे लेफ्ट साइड में हमारे पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में किसी परिस्थिति में ज़्यादा या कम तो नहीं है ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादातर डेटा हमारा पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड कम डेटा पॉइंट्स हैं कम पॉपुलेशन है या नेगेटिव साइड ज़्यादा डेटा है पॉजिटिव साइड कम डेटा है ये सारी जानकारी हमको स्क्यूनेस के माध्यम से मिल चुकी है अब हम लोग ये जानते हैं कि यदि हमारा डेटा किसी एक तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड तो ना हो लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसी विभिन्न प्रकार का हो जैसे अगर मैं एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के लिए ड्रॉ करूं तो जो नॉर्मली हमारा डेटा होगा वो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नॉर्मली लेकिन इसमें कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं जैसे हाइट मेरा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो मेरा डेटा है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है और वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर क्या है मेरे डेटा की हाइट पीक ज्यादा है तो इस तरह की कंडीशन को हम लैप्टोकर्टिक कंडीशंस बोलते हैं लैप्टोकर्टिक मीन्स जो हमारा डेटा है वो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी या उस डेटा पॉइंट के बहुत ज्यादा क्लोज है देखेंगे आप ज्यादातर डेटा क्लोज है तो हमारी फ्लैट ना होकर हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट ज्यादा होगी पीक ज्यादा होगी अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है जस्ट इसके अपोजिट उस कंडीशन में क्या होगा हमारे डेटा की जो हाइट है जो पीक है वो बहुत कम होगा और उसका स्प्रेड बहुत ज्यादा होगा इस कंडीशन में क्या हुआ हाइट या पीक मेरे प्रोबेबिलिटी कर्व की कम हो गई और उसका स्प्रेड ज्यादा हो गया इस तरह की कंडीशंस को हम लोग कहते हैं प्लेटो कर्टिक तो जिस प्रकार से पहले वाला डेटा मेरा बहुत ज़्यादा ऊंचा था बढ़ा हुआ था उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी इसकी हाइट बहुत कम है नॉर्मल से लेकिन इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है तो ये कुछ पठार जैसा दिखता है इसलिए इसे प्लेटोकर्टिक कहा जाता है लास्ट बचा हमारे पास मैसोकर्टिक जिसमें हमारी पीक ना ही तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है वो सम हाउ एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंडीशन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस तरीके से हमारी करट की वैल्यू हमें डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देती है हमारे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब कर्टिस कैलकुलेट करने का हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं उनमें से एक फार्मूला हम यहाँ पर आपको मेंशन कर रहे हैं P 75 फाइव माइनस P ट्वेंटी डिवाइडेड बाय P 90 माइनस P टेन यहाँ पर P का अर्थ है परसेंटाइल इसको परसेंटाइल जब हम लोग ये कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को कर्टोसिस की वैल्यू मिलती है और करट्यूस की वैल्यू हमें ये शो करती है कि हमारा डेटा की पीक कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है या बहुत कम तो नहीं है उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है या उसकी पीक बहुत ज़्यादा है मैथमेटिकली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली अगर कर्टिस की वैल्यू ज़्यादा होती है 2.63 से तो वो प्लेटर कर्टिक होता है अगर उसकी वैल्यू 2.63 से कम आती है तो उसे हम लैपटोपकर्टिक कंडीशन में रखते हैं या वो इस कंडीशन को शो करता है तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अर्थ को जाना उसके एक्सप्रेशन को जाना उसके एप्लीकेशंस को जाना उसकी मीनिंग को जाना और ये जाना कि किस प्रकार हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है उसकी शेप किस तरह की हो सकती है और उसके अंदर किस किस तरह की विषमताएं आ सकती हैं और ये विषमताएं स्क्यूनेस और कर्टोसिस किस प्रकार से इंटरप्रटेशन इनकी की जाती है तो आज के लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के इस संप्रदाय को इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कंप्लीट किया अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन अपना कंटिन्यू रखेंगे तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं आज के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद